हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर में नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग पे हमने किस किस टाइप से हमें रिएक्शन देखनी थी तो वो हमने कवर की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है उसमें कौन कौन सी रिएक्शन कवर होती है अपने सिलेबस में। हमने पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें अल्कोहल जो है हमारा, अल्कोहल कैसा नेचर का है, वर्सेटाइल नेचर का है, मतलब ये इसमें दो तरीके से ब्रेकिंग होती है। अगर हम देखें यहां पर तो अल्कोहल में हमने दो तरीके से ब्रेकिंग देखी थी, ROH, तो पिछले लेक्चर में हमने ROH वाली ब्रेकिंग देखी थी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे कुछ रिएक्शंस। तो पहली जो रिएक्शन है हमारी इसमें वो है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड मतलब HX के साथ रिएक्शन, ठीक है, HX के साथ रिएक्शन देखेंगे पहली हैलोजन एसिड के साथ। दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम रिएक्शन विद PX3, ये हमने देखा होगा रिएक्शन विद PX3, ठीक है, PX3 और PX5 मतलब PCl5 भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हम PX3 देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है, आप देखो रिएक्शन विद HX हो गया हमारा, यहां पर हमने देख लिया था पिछले फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक के कि हमने क्या प्रोडक्ट बनना है, वो वही रिएक्शन दोबारा लौट के आ रही है, दोनों हमारी रिपीट हो रही है। इतनी बात क्लियर हो रही? तो OH बॉन्ड में हमने कुछ तीन रिएक्शन देखी थी, क्लियर, और इसमें भी हम तीन रिएक्शन देखेंगे बेसिकली। और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल से पानी को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अलग टाइप की रिएक्शन है, तो ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी दूसरी टाइप की है, इसमें OH ब्रेकिंग नहीं है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ब्रेकिंग है तो वो अलग टाइप की है। ये हमारी मेन तीन टाइप है, ये ध्यान रखना, जो हमारी कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकिंग की है, तो इसको नोट कर सकते हो फ्लो चार्ट। फिर हम नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, व्यू अच्छा आ रहा है आपको, ठीक है, आप नोट कर लो। नेक्स्ट पहली जो रिएक्शन हमें देखनी है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HX के साथ, ठीक है, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड मतलब HX के साथ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि HCl के साथ हमने रिएक्शन कराई थी अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि ROH है हमारा, ठीक है, ROH है, और यहां पर हम HCl ले लेते हैं, HCl और प्लस ZnCl2 डालते हैं, तो ZnCl2 बेसिकली करता क्या है, इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, इससे ये अटैक यहां होता है, तो यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो हो जाता है वीक इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 का केवल यहां पर ये काम है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करना। तो अब यहां पर वीक जब हो जाता है तो ये ब्रेकिंग हो जाती है और यहां पर क्या बन जाता है, RCl, क्या बन जाता है, RCl। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर ये मेन रिएक्शन थी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में, तो यहां पर जरा देखना, अगर मैं यहीं पर बात कर लूं तो ये CH3 है हमारा, ठीक है, अभी हमने यहां पर ZnCl2 नहीं डाला, हमें सिंपल HX के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ध्यान देना, ये टर्शियरी मत समझ लेना इसको, यहां पर ये CH3 और ये CH2 और ये OH, क्लियर, ये हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और ये टर्शियरी हो गया। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है कि टर्शियरी में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहां पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में होता है रिपल्सन और इसकी वजह से ये बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है, क्या हो जाता है, वीक। यहां पर धीरे धीरे ये वीकेस्ट थोड़ा कम होती जाती है, यहां पर इतना ये एल्किल ग्रुप इतना इफेक्ट नहीं डाला, यहां पर तीन एल्किल ग्रुप है, ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है। तो अब यहां पर टर्शियरी में ZnCl2 का कोई काम होगा क्या, नहीं है ना, तो यहां पर
अगर हम देखते हैं कि टर्बिडिटी बन जाती है, ये एक्चुअली में हम लुकास रिएजेंट की तरीके से यूज करते हैं इसको, लुकास ने एज अ रिएजेंट इसको यूज किया था फॉर द फाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, फॉर डिटेक्टिंग 1 degree, 2 degree एंड 3 degree अल्कोहल। क्लियर? तो जो 3 degree मतलब टर्सरी अल्कोहल था वो तुरंत की तुरंत हमारा क्या दे रहा था तुरंत की तुरंत हमारा दे रहा था हैलोजन हमारा ऐड हो रहा था, मतलब एल्किल हैलाइड दे रहा था। तो एल्किल हैलाइड बनने के बाद टर्बिडिटी तुरंत बन जाती है। तो यहां पर जो टर्सरी है वो सबसे ज्यादा हमारा सबसे फास्ट टर्बिडिटी देगा, ठीक है। यहां पर ये स्लो हो जाएगा, क्लियर हो रही बात नहीं, यहां पर और स्लो, क्लियर हो रही बात नहीं, अगर हम सिंपल HX के साथ रिएक्शन कराएं। लेकिन अगर ZnCl2 डाल दें तभी ZnCl2 डालते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इतना वीक बॉन्ड नहीं कर पाता, यहां पर वीकनेस आ जाती है, तो यहां पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम लुकास रिएजेंट यहां पर यूज करते हैं। लुकास रिएजेंट हमारा क्या है, HCl+ZnCl2। इससे हमारी टेस्टिंग हो जाती है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्योंकि टर्सरी हमारा दे देता है जल्दी देन सेकेंडरी। प्राइमरी लगभग ना के बराबर है, मतलब काफी टाइम बाद मिलता है या नहीं मिलता है, तो यहां पर टर्सरी और सेकेंडरी की चीज है। तो इसको नोट कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद HX, ठीक है। तो कौन जल्दी टर्बिडिटी देगा, टर्सरी देगा, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी काफी टाइम बाद। यहां पर ये 5-10 मिनट बाद, 5-10 मिनट के अंदर में देता है, ये तुरंत दे देता है, यहां पर ये काफी टाइम ले लेता है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, ये पहली रिएक्शन हमारी। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं, सेकंड रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद PX3। PX3 आप देख चुके होंगे पहले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया है हेलो अल्केन में। तो हेलो अल्केन में हमने आपको बताया था कि रिएक्शन विद PX3 किस तरीके से हमारी रिएक्ट करेगी PX3 अल्कोहल के साथ। तो अगर हमने ले लिया रिएक्शन विद PX3, तो PX3 बेसिकली क्या करता है, यहां पर अगर हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, क्लियर, तो यहां पर PX3 जो है वो धीरे धीरे तीनों एक्स जो निकलते आते हैं और हमारे यहां पर तीन OH ये साथ में ले लेता है, क्लियर। तो यहां पर तीन बनते हैं, तीन मोल लगते हैं, तो यहां पर बनता क्या है, यहां पर H3PO3, क्या बनता है H3PO3, ठीक है। OH तीन जुड़ गए, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं, OH यहां पर तीन जुड़ गए, तो इसको H3PO3 बोल दिया, क्लियर। तो यहां पर बन क्या जाता है, 3 alkyl halide, 3 mol alkyl halide बन जाता है, क्लियर। और ये बात करिए, समझ में आ रही है आपको बात। तो ये सिंपल है, धीरे धीरे OH हमारा अटैक होता है, Cl हमारा निकल जाता है, Cl बाद में अटैक होता है, क्लियर। तो इस तरीके से यहां वैकेंट ऑर्बिटल है फॉस्फोरस की, तो ये अटैक हो जाता है, इसका लोन पेयर इस पे अटैक कर देता है और धीरे धीरे Cl निकलता रहता है। इसकी मैकेनिज्म मैंने हेलो अल्केन बताई थी, वहां जाकर आप देख सकते हो, क्लियर। तो ये हमारी रिएक्शन विद PX3 है, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन में हम चलते हैं रिएक्शन विद एसिड या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ी थी मैकेनिज्म के साथ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बेसिकली क्या होता है, हमने सभी में अभी तक जो रिएक्शन देखी है, पहली रिएक्शन देखी हमने कौन सी, हैलोजन एसिड के साथ। तो यहां पर देखो ये हैलोजन ही जुड़ रहा था OH टूट के, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा था, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, टूट रहा था। यहां भी यही चीज हो रही है। अगर हम सिंपल ले लें कि अल्कोहल हमारा है, क्या है, अल्कोहल CH3CH2OH है, ठीक है। यहां पर हम एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं H+, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस ले लो,
वाटर की प्रेजेंस ले ली, नहीं वाटर की प्रेजेंस नहीं ले ली, हमें डिहाइड्रेशन कराना है, क्लियर। तो यहां पर ये पानी निकालना है हमको, क्लियर। तो H प्लस ऐसे ही रहेगा, प्रोटीनियम आयन नहीं बनेगा हमारा, है हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, क्लियर हो रही बात की। तो अब यहां पर बन क्या जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन बन जाती है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहां वाटर निकल जाता है। ये तो हमारी सिंपल होगी जनरल रिएक्शन, ये हमारी क्या होगी जनरल रिएक्शन, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म के ये तीन स्टेप में होती है रिएक्शन, उसको हम एक बार देख लेते हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा होता है इसका प्रोटोनेशन। क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, मतलब एच प्लस का जुड़ना। तो इसमें होता क्या है, देखो जरा, सी एच थ्री है, सी एच टू है, ओ एच है। अब यहां पर ये एसिड का एच प्लस पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर है, ये इस पर अटैक कर देंगे वैकेंट ऑर्बिटल पे, और बन क्या जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू प्लस, क्या बन गया, ओ एच टू प्लस। इतनी बात समझ में आ रही। सेकेंड जो स्टेप इसका रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, OH2 हमारा निकल जाएगा यहां पर, देखो जरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये OH2, क्लियर। अब यहां पर ये OH2 है, ये हमारा क्या हो गया, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये किस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि इस तरफ प्लस है तो ये इस तरफ शिफ्ट होंगे। यहां पर बनेगा क्या, यहां पर बनेगा क्या, CH3 CH2 प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात क्लियर है। पानी निकल गया हमारा पूरा, वाटर निकल गया इस केस में, मतलब ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, डी प्रोटोनेशन, क्या है, डी प्रोटोनेशन, क्लियर हो रही बात की। तो डी प्रोटोनेशन में क्या है, नीचे आपको दिख रहा है, आपको डीप्रोटोनेशन में क्या है आपका, मतलब पहले तो प्रोटॉन था तो H+ जुड़ा, डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, H+ निकलेगा, तो ये हमारा रिएक्टर बन जाए CH3 CH2+। बोलो यहां पर ये दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हमने ऐसे कर लिया, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, क्लियर, यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट होंगे, ये या फिर बोल सकते हो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर होगा क्या, यहां पर H प्लस हमारा निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो इसको समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हमारे शिफ्ट हो रहे और ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहां न्यूट्रलाइज और ये H प्लस निकल गया, क्योंकि ये हमें माइग्रेट कर रहा है, H प्लस हमारा निकलना, क्लियर हो रही बात की। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, तो नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हो गई, ये हमारी जनरल रिएक्शन है। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है ये इस पर अटैक कर रहा है पहले स्टेप पे, ठीक है, ये तो हमारा क्या बनेगा OH2। अब यहां पर ये अनस्टेबिलिटी आ गई, तो ये क्या करेगा, OH2 निकलेगा, मतलब पानी निकल जाएगा H2O, क्लियर। ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यहां पर कोई H+ तो लेगा क्योंकि कंजुगेटेड पार्ट तो होगा इसका, जैसे हमने बोल दिया H+, तो HSO4 नेगेटिव बचेगा, H2SO4 का कंजुगेटेड पार्ट, वो हमारा अटैक करके इसको H+ को ले जाएगा, मतलब H+ निकल गया। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि डीप्रोटोनेशन हो गया, जो प्रोटोनेशन हुआ था, क्योंकि रिएजेंट का जो काम होता है, जो कैटलिस्ट का काम होता है, वो केवल रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होता है, ठीक है। तो प्रोसीजर हो गया, प्रोसीड हो गई रिएक्शन, अब H+ चला जाएगा, तो हमारा बन गया क्या, एल्कीन। मतलब ये तीन स्टेप की रिएक्शन है। तो आपको पहली बात हाइड्रोलाइसिस वो पढ़नी है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, तो ये सिंपल है भाई, एल्कीन में पानी जोड़ दिया तो हमारा एल्कोहल बन गया, एल्कोहल से हमें पानी निकाल दिया तो एल्कीन बन गया, ये टाइप ये रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन है। तो वहां पर वो भी हमारे तीन स्टेप की रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारी हाइड्रोबोरेशन, तो उसको भी हमें कंप्लीट करनी थी। फिर हमारी ये थर्ड मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बोलो इतनी बात क्लियर है, नोट कर सकते हो आप, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी चौथी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली हमें देखना क्या है, हमें केवल अपने सिलेबस के हिसाब से चलनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाने देखो, अगर हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल का ही कराना हमें, तो अल्कोहल हमने ले लिया, ये CH2 है और ये OH है, तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो हमें वो रिएजेंट भी देखने को होंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। यहां पर देखो बेसिकली होता क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए हमने इस पर नहीं डाला। तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो बनता क्या है, फिर बनता यही कि डबल बॉन्ड बन जाता है, ये इनका हाथ भी टूट रहा है, इनका भी एक हाथ टूट रहा है, तो दोनों ने हाथ मिला दिए, कुछ इस तरीके से बन जाता है। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बनता है कोई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड बनता है कोई, वो हमें देखना है। तो यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि बनेगा क्या, वो डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पर। ओके, डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो, क्लियर। तो अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पर देखना होता है कि हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो माइल्ड होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग। एक हमारा माइल्ड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर माइल्ड में हम CrO3 ले सकते हो माइल्ड में, ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग में KMnO4 ले सकते हो, ठीक है, H2SO4 के साथ, ठीक है, या फिर हम K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रही बात करें, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। तो अगर हमें यहां पर हम प्रोसीजर बताएं, इसको नोट कर सकते हो पहले, इसको नोट कर लो पहले, अगर हम देखें यहां पर, अगर यहां पर हम देखें कि किस तरीके से रिएक्शन हमारी होती है, तो अगर हम देख लेंगे हमारा अल्कोहल है जैसे CH3CH2OH, तो यहां पर हमने जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्लियर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करा दिया, तो हमने क्या होगा, यहां पर एक स्टेप बीच में आएगा, फिर बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड CH3CHO, फिर हमने माइल्ड डाला, फिर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग डालेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, लेकिन यहीं पर ये हमारी दो तरीके, दो स्टेप में एसिड बन रहा है, अगर एक स्टेप में एसिड बनाना है तो क्या करोगे आप, सिंपल सीधे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे, क्या डाल दोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल दोगे, तो सीधे के सीधे उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा जितने कार्बन का अल्कोहल आपने लिया है, क्लियर। यहां कार्बन का लॉस नहीं है, ये ध्यान रखना, ना कम ज्यादा कर दो, तो कार्बन उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर बस कार्बन के कंपाउंड में हमारा कन्वर्ट होता जाता है, यहां पर ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो हमारा एसिड आ जाएगा, क्लियर हो रही बात क्यों। तो ये बेसिकली फंडा है पूरा, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से हमें चीजें करनी है। अब उल्टा करना है, रिड्यूसिंग भी हुए तो यहां पर रिड्यूस कर सकते हो, तो ये हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, मतलब जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब हम इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, क्लियर। तो इसका रिड्यूसिंग डालना है तो आप रिड्यूस डालो, माइल्ड डालोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो एक स्टेप में अल्कोहल आ जाएगा एसिड से, क्लियर। तो ये हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसको नोट कर सकते हो आप, फिर हम आगे लेक्चर में और चीजें कवर करेंगे, क्लियर हो रही बात करिए। तो यहां पर ये चीजें आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्लियर। हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको नोट कर लो।